आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है दक्ष कार्की। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। सब हो गया मस्त, नहा धो के रेडी हो गया हूँ और जा रहा हूँ स्कूल। मेरी आंखें चाइनीज जैसी लग रही है मम्मी, देखो तो। तीन दिन की? अच्छा, पीछे तो एकदम मस्त कोहरा लग रहा है, इसमें कम दिखाई दे रहा है। कम लगाया गया था तो आज ज्यादा लगाया कोहरा, मुंह में वो गिर रही है। हाँ। कहते हैं उसको ओस। हाँ। पाला कहते हैं। पाला। चलो फिर शायद मेरे ख्याल से कोई बात नहीं। ठंडा हो रहा है ना बहुत? बॉडी में लग रहा है ना? फेस में लग रहा होगा ना? ना। हाँ लग रहा है। चलो फिर अभी तो मैं चलता हूँ स्कूल, फिर वहां से जाके आपको मिलूंगा। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर में सब कुछ होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के व्लॉग पे। और आज के व्लॉग की शुरुआत से अंधेरे अंधेरे में क्यों रही है, उजाले में होनी चाहिए। मेरा स्टॉल सूख गया है। आज की न्यूज़ ये है कि आज जो है ना धूप आ चुकी है और मौसम खुल चुका है। बाहर की तरफ को उजाला दिख रहा होगा आप लोगों को। और कपड़े भी जो मैंने कल परसों धोए थे ना वो सूख गए। और आज धूप आई है तो आज मेरे कोई कपड़े ही नहीं है धोने के लिए। सोचो जरा आप लोग। दक्ष चले गया है स्कूल। आज वो लेके गया है सैंडविच, वाइट सॉस पास्ता एंड रेड सॉस पास्ता। आज ये लेके गया है, आज उसका चीज डे है। तो ये सब कुछ है। फिलहाल मैं जो है सारे काम करके फ्री हो चुकी हूँ। बस ये जो बर्तन धोए थे ना इनको इनकी जगह पर लगा रही हूँ और सब कुछ मेरा काम हो गया है। तो अब क्या करूँगी, बालों में ऑयल लगाऊंगी और थोड़ा सा छोटी रोटी बना के फिर बैठूंगी। बाल नहीं बनाए मैंने, बाकी सब कुछ तो मैंने कर लिया है। तो यही है बस, अभी तक धूप आ गई है आज बढ़िया सी। लेकिन वही है ना, आज कपड़े नहीं धोने। कपड़े धोने मतलब आज मैं कल धोने हैं। दक्ष के स्कूल के कपड़े वगैरह ना वो धोने, तो वो जब स्कूल से आएगा तो तभी धुलेंगे, या तो रात में धुलेंगे या कल धुलेंगे। तो यही होगा। तो फिलहाल धूप भी आ गई तो कम से कम टेम्परेचर तो थोड़ा सा सही हो जाएगा, ये है बात। तो फिलहाल बालों में लगाती हूँ खूब सारा तेल, चोटी बनाती हूँ अपनी, और फिर अपने थोड़े बहुत जो फ़ोन के काम है वही जो हमेशा के होते हैं वो करती हूँ। एक आध कॉल करती हूँ मम्मी को। फिर दोपहर के खाने में आज तो दाल चावल बनाएंगे। दो तीन दिन हो गए, तीन चार दिन दाल चावल ना खाए हुए, तो आज दाल चावल ही बनेगा दोपहर में। थोड़ा सा बालों का कर लेती हूँ केयर वगैरह। मैं अखरोट खा रही थी जो मैं कैची मंदिर गई थी ना जब, तब लेके आई थी वाले अखरोटों में, कैसी झुग्गू जैसी बनी। दक्ष की जैकेट की भी टोपी डाल रखी है। बालों में तेल डाल के चोटी मैंने अपनी बना ली है, बना ली है। कभी फेस इतना अच्छा लगता है, कभी बहुत बेकार लगता है, पता नहीं क्यों। तो फिलहाल मैं किचन में आई हूँ। बाल कैसे हो रहे मेरे? खाना बनाने के लिए तो दाल बनानी है। समझ में नहीं आ रहा कि दाल बनाई कौन सी जाए। देखते हैं क्या बनाती हूँ। लोबिया, लोबिया भी है तो लोबिया की दाल बना देती हूँ। वैसे अभी तो सिर्फ 12:30 बज रहा है, बट लोबिया की दाल को थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा। तो दाल बना के फ्राई करके चावल भिगा के रख दूंगी और फिर भात जब तक आएगा उसी टाइम पे बनाऊंगी। धूप आई है बट मैं धूप में नहीं गई तक, पता नहीं क्यों मुझे बैठा नहीं जाता ज़्यादा। तो इसको साइड में रखते हैं, पहले दाल बनाते हैं, उसके बाद थोड़े काम निपटा के मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी और चाय पीऊंगी। खाना इधर से हमारा जो है बन चुका है और मैंने ना किचन की सफाई भी करी और कप निकाला है। आज ये वाला चाय पीने के लिए आज इस कप में पीऊंगी मैं चाय। लाल वाली लोबिया की दाल और चावल दोनों चीज़ बना दिया है और 3:15 हो गए। 10-15 मिनट में दक्ष आ जाएगा। धूप जा चुकी है फिर से, थोड़ी देर के लिए आई थी, ठंडा उतना ही हो रहा है, ठंडा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। तो दक्ष आता है उसके बाद खाना खाता है। आज मुझे भी भूख लग रही है, मन कर रहा है। और मैंने ना जो दिवाली के टाइम पे ऑनलाइन जग मंगाया था, मतलब मंगाया तो मैंने कैसरोल था, बट मेरे साथ मीशो वालों ने जो है फ्रॉड कर दिया था तो ये जग आ गया था। तो आज मैंने जग बाहर निकाल दिया है, इसमें पानी भर के रख दूंगी। लाइक किसी टाइम पे गेस्ट आते तो पानी देने के लिए या खाना खाते समय चाहिए होता है। ये है किचन की, आज मैंने सफाई करी। आप लोगों ने मिनी ब्लॉग में देखा होगा, मैं कैबिनेट साफ करे, इधर इधर वाले उधर वाला सब सही करके रखा, फ्रिज के ऊपर साफ किया, उसका कवर धोने के लिए रख दिया, उसको भी धोना है। तो ये सब काम करे उसके बाद बैठ गई थी। मैं काम भी कर रही थी, बैठ भी रही थी, फ़ोन भी आ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, ये सब करने में लगी पड़ी थी। बस अब दक्ष आता है फिर खाना खाते हैं। आ गया है मेरा बेटा इधर वाले कमरे में और मैं छत में चली गई थी फूलों को देखने के लिए।
और आते ही यहाँ पे छुपने की कोशिश करता हुआ, कहाँ है मेरे सामने से गया। आज का दिन बढ़िया, मजा आया, ठंडा तो नहीं लगा ना? मैं जो शॉर्ट पुट है ना, हाँ, उसमें 3 किलो की बॉल फेंक देती है पीछे का। हाँ, मैं सेलेक्ट हो गया, सेकंड आया। अरे वाह, तो आप फाइनल कब बताया कुछ आज ना? अब कुछ नहीं बताया, कल परसों नरसों कुछ नहीं बताया ना। अभी खाना खा लिया था, कैसा लगा? मस्त, पेट भर गया था। कुछ होमवर्क वगैरह मिला है? है नहीं मिला? मिला है, चलो फिर कपड़े चेंज करो, खाते हैं दाल चावल बनाए, टेस्टी टेस्टी। आज कई दिनों बाद दाल चावल खाएंगे ना हम लोग। यस, चलो मैं लंच बॉक्स देखती हूँ, लाओ खाना पीना खा लिया। और मम्मी ने इतनी ज्यादा गर्मी में जैकेट बना दिया बेटा, भले ही धूप आ रही है ना, लेकिन धुंधली धूप आ रही है, अब भी अंधेरा हो जाएगा ऐसा हो रहा है मतलब, और हवा चल रही है बाहर, ठंडा लगेगा, जैकेट चावल ठंडा लग रहा है। अरे वो अभी पहनने में लग रहा होगा ना, आजा, कपड़े तो ठंडे ही होते हैं, ज्यादा ठंडा है। चलो फिर मस्त करते हैं, अभी तो मैंने खाना पीना खा लिया और जा रहा हूँ अभी ट्यूशन। ऐसे बोलता है व्लॉग में जैसे एहसान कर रहा होगा व्लॉग में बोल के। क्या लेके जा रहा है? ग्रामर ना? हाँ। ग्रामर में कहाँ पहुंच गया है तू अभी? रिपोर्टेड स्पीच को रिसीव कर रहा हूं। और स्कूल में कहाँ पहुंचे हैं? वहीं पर ही पहुंचे हैं, सब समझ में आ रहा है ना पूरा परफेक्टली? चलो कुछ कपड़े मेरे यहाँ पर हैं अभी, ये भी सूख जाएंगे बस अब। चलो बाय बाय। ये गया ट्यूशन और मैंने पोछा लगाना है अभी सीढ़ियों में, मैं वो करती हूँ, बर्तन मैंने सारे अपने धो लिए हैं, चलती हूँ सीढ़ियों फटाफट। अभी उठी हूँ ना बिस्तर से, लगा देती हूँ, वरना फिर बिस्तर में बैठ जाओ तो फिर मन नहीं करता है। उसके बाद मैं पानी पीना शुरू करूँगी, आज मैंने सुबह नहीं पिया क्योंकि पानी से पहले पोछा लगा के आती हूँ। सर्दियों में हाथ से पोछा लगाना बहुत ही आफत आती है, अंदर तो मॉपिंग कर लो लेकिन सीढ़ियों में या बाहर आंगन में ना हाथ से ही लगाना पड़ता है, तो टंकी में से गर्म गर्म पानी निकालूंगी, इससे लगाती हूँ फटाफट से और फिर बैठ जाऊंगी बिस्तर के अंदर। कल और परसों 2 दिन की स्कूल की है छुट्टी, दक्ष कर रहा है अपनी पढ़ाई और मैं खा लूँ रेबड़ी, उसको भी दिया मैंने रेबड़ी, खाना मैंने बता दिया है। और मतलब सब्जी बनाती है, रोटी बनानी बाकी है, मगर रेबड़ी खा रही हूँ। और अभी ये पढ़ाई करेगा, अभी 6:30 बज रहा है, 7-8 बजे तक, साथ में 8-8:30 बजे तक बनाऊंगी रोटी क्योंकि कल छुट्टी, आराम से उठना है। मैं भी एक बढ़िया सी मूवी देखती हूँ, फिर इसको याद होगा तो मुझे सुनाने आएगा, आराम से बनाएंगे, आराम से खाएंगे और आराम से सोएंगे। मस्त करके खाना पीना खा लिया और टाइम आ गया अब सोने का। और मैंने थोड़ी देर पहले सर दर्द भी हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरा सही हो गया सर दर्द, तभी तो मस्त करके फोन चलाता हूँ। और कल मेरे स्कूल की है छुट्टी, कल और परसों, तो मस्त करके मैं रेस्ट करूंगा। टप 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 टप, मस्त करके कंबल तो यहाँ पर सजा दिया मम्मी ने, एक इसके अंदर जाते हैं अब। चलो अभी लाइट ऑन। हाँ, और देखो मम्मी का पुराना व्यू वाला फोन आजकल मैं यूज कर रहा हूँ, मत करके अपना फेस पासवर्ड लगा दिया सर के, जो मैंने स्टे लग रहा था खुल गया। चलो फिर आपको व्लॉग को भी एंड कर देता हूँ, तो अगर आपको व्लॉग तो अच्छा लगा ये होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, डिसलाइक मत कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।